कि लालू प्रसाद यादव के परिवार में फिर घमासान छिड़ गया है और लालू के बेटे जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप, उन्होंने आरजेडी छोड़ने की धमकी दे दी है। इफ्तार पार्टी में कार्यकर्ता की पिटाई का आरोप लगने के बाद तेज प्रताप ने यह कदम उठाया है। पटना में चार दिन पहले हुई चर्चित इफ्तार पार्टी के बाद बिहार में आरजेडी सरकार की वापसी की भविष्यवाणी करने वाले तेज प्रताप यादव अब अपनी ही पार्टी से खफा है। उनका गुस्सा इस कदर है कि तेज प्रताप ने पार्टी छोड़ने की ही धमकी दे डाली है। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया, मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का काम किया, सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया, जल्द अपने पिता से मिलकर अपना इस्तीफा दूंगा। अब जरा तेज प्रताप यादव की इस धमकी के पीछे की कहानी भी समझ लीजिए। दरअसल तेज प्रताप यादव पर अपनी ही पार्टी के एक पदाधिकारी को पीटने का आरोप लगा है। आरजेडी की युवा इकाई के पटना महानगर अध्यक्ष रामराज यादव ने आरोप लगाया कि इफ्तार पार्टी के दौरान तेज प्रताप यादव ने उनके साथ मारपीट की। मुझे धमकी दिया गया कि तुम राष्ट्रीय जनता दल पार्टी तेजस्वी यादव का पार्टी छोड़ दो, गर्दन पकड़ के हमें रूम में बंद करके 10 सर्कुलर रोड पर हमें मारा गया है, पीटा गया है। रामराज यादव का दावा है कि उन्होंने 22 अप्रैल की उस घटना की शिकायत पार्टी को की थी, लेकिन 3 दिन बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कल वो पार्टी से इस्तीफा देकर पार्टी दफ्तर पहुंच गए। उनको तेजस्वी जी से दिक्कत है, उनको तेजस्वी जी के पार्टी से दिक्कत है, जगदा बाबू से दिक्कत है, और भी इस दल के नेता है उनसे उनको दिक्कत है, सुनील सिंह से उनको दिक्कत है। माना जा रहा है कि अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता से मारपीट के आरोप में घिर जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने इस्तीफे का दांव चला है। पार्टी आधिकारिक अगर कोई बात है, कोई भी ट्वीट हो या कुछ हो तो उस पर हम कह सकते हैं, जब कुछ आधिकारिक कुछ बयान ना हो उस पर क्या टिप्पणी। तो लगता है कि लालू परिवार में तकरार ज्यादा ही बढ़ गई है, तेजस्वी के बयान से तो ऐसा ही लग रहा है। ABP News, आपको रखे आगे।